गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर नंबर 5 है आपकी बुक का, फूड, EVS का चैप्टर नंबर 5 जो कि है फूड, उसका हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। तो उसके क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मींस इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, नेम द 3 मील्स वी ईट इन अ डे। तो आपको यहाँ पर उन मील्स का नेम बताना है जो आप दिन भर 3 बार करते हैं। दिन में आप जब एक डे में आप 3 टाइम्स मील करते हैं, सभी करते हैं, तो किस किस टाइम करते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? देखो, मॉर्निंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग में जो हम खाना खाते हैं सबसे पहले, वो होता है आपका ब्रेकफास्ट। एंड सेकंड, जब आप दिन में मींस जब नून हो जाता है या आफ्टरनून हो जाता है, तब आप करते हैं लंच, राइट? तो जब आप खाना खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लंच कहते हैं। एंड जब आप नाइट में खाना खाते हैं उसे हम बोलते हैं डिनर। तो हम मील कितने टाइम्स लेते हैं दिन में? 3 टाइम्स। एक डे में, वन डे में हम 3 टाइम्स मील लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, राइट? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर आप सब लिखेंगे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, राइट? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, हु आर वेजिटेरियंस। अब वेजिटेरियंस कौन होते हैं बच्चों, बताइए मुझे। आपको यहाँ बताना है कि कौन से लोग वेजिटेरियन होते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे, पीपल हु ईट फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, वेजिटेरियंस। ऐसे लोग जो फूड खाते हैं, कैसा फूड, जो हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, मींस प्लांट से, प्लांट्स जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, उनसे हमें जो भी फूड मिलता है और उनसे बना हुआ जो फूड हम खाते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है वेजिटेरियंस। मींस जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे मीट वगैरह या एग्स ये सब नहीं खाते हैं, ओनली वेजिटेबल्स और पल्सेस या फिर कुछ भी ऐसी थिंग्स जो हमें प्लांट से मिलती है वो खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेजिटेरियंस, राइट? तो आप आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों, पीपल हु ईट फूड दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, वेजिटेरियंस, राइट? नेक्स्ट है आपका, हु आर नॉन वेजिटेरियंस, राइट? तो नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं बच्चों? देखो, पीपल हु ईट एग्स, मीट एंड फिश, नॉन वेजिटेरियंस। ऐसे लोग जो एग्स खाते हैं, मीट खाते हैं और फिश खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस, ओके? तो जो भी लोग आपके मीट खाते हैं, फिश खाते हैं, एग्स खाते हैं, इस टाइप का नॉन वेज जो भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस, राइट स्टूडेंट्स? तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, पीपल हु ईट एग्स, मीट एंड फिश नॉन वेजिटेरियंस, ओके? एंड फोर्थ है, व्हाई डू वी ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हम बहुत सारा पानी क्यों पीते हैं? तो आपको बताना है, यहाँ पर आंसर देना है, हम बहुत सारा पानी क्यों पीते हैं, पानी की हमें ज़रूरत क्यों होती है? देखो, आंसर यहाँ लिखा है, वी नीड वाटर टू डाइजेस्ट आर फूड एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट। हमें पानी की ज़रूरत होती है हमारा जो खाना होता है उसे पचाने के लिए, और जो भी हमारा वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, उसको बाहर निकालने के लिए, राइट? तो हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है? हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और पानी तो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, उसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड, जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे मेंटेन रखता है ना? और आपको हमेशा जो भी आपके ये बॉडी पार्ट्स को नीड होती है वाटर की, हर इंग्रेडिएंट की हमें नीड होती है, हर एलिमेंट की हमारी बॉडी को नीड होती है, तो इसलिए हमें पानी की भी ज़रूरत होती है खाना पचाने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो आपको आंसर में लिखना है, वी नीड वाटर टू डाइजेस्ट आर फूड एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट, राइट स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन मैंने आज कंप्लीट करवा दिए हैं, जो चैप्टर नंबर 5 है उसके क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अब आपको ये आपके नोटबुक में नोट करने हैं, गुड हैंड राइटिंग में, ओके स्टूडेंट्स?